उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोविंशियल सर्विसेज UPPMHS है, उसके डॉक्टरों का चुनाव होता है। इसी क्रम में फिरोजाबाद जनपद के जिला अस्पताल में भी इस कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने अपने अपने पेटिका में डाले। इसके बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने बताया कि हर 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोविंशियल सर्विसेज के चुनाव होते हैं। इसी क्रम में आज जिला अस्पताल के चिकित्सकों का भी यह चुनाव संपन्न हुआ है। इस दौरान SCMO डॉक्टर विनोद कुमार भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सरज जी, जिला अस्पताल चुनाव चल रहे हैं, किस प्रकार के चुनाव चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन जो है UPPMHS, उसके कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा है। ये हर 5 साल में होता है, तो उसमें जितने भी 13 जगह के जो प्रत्याशी हैं, उन्हें आज फिरोजाबाद के जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, वो सारे लोग वोट डालकर उसका चुनाव कर रहे हैं। सर जी, चुनाव चल रहे हैं, किस प्रकार के चुनाव चल रहे हैं और किस प्रकार से चिन्हित करेंगे किसी? ये जो इलेक्शन है, ये हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी PMS के चुनाव हैं, जो 5 साल बाद होते हैं। डॉक्टर साहब ने भी कहा है, तो इसमें जो ना अध्यक्ष का पद होता है, सचिव का पद होता है, मंत्री का पद होता है, महामंत्री का पद होता है, वित्त का होता है, और टोटल 13 पोस्ट के लिए आज चुनाव हो रहे हैं UP में। इसी के लिए आज जिला इसमें फिरोजाबाद में जो CMO का इंटरव्यू, जो डॉक्टर हैं उनका भी होगा, जो यहाँ पर जिला डॉक्टर हैं उनका भी होगा।